भदोही जिले की खबरों का ठिकाना सत्यवीर वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। शहर से लेकर गांव तक की हर हलचल देखिए आप नसीर कुरैशी के साथ। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबरों के साथ। शनिवार को भदोही जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम आरका अखौरी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जायजा लिया है। साथ ही राहत चौकियों में मौजूद लोगों से मुलाकात कर अधिकारियों को हर संभव प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान किए जाने का डीएम एसपी ने निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि एक दो दिनों में भदोही जिले में गंगा का जल स्तर और बढ़ने की आशंका है। डीएम एसपी ने बाढ़ प्रभावित छेछुआ, भुर्रा आदि इलाकों का निरीक्षण करते हुए बाढ़ से प्रभावित गांव पर हल्का लेखपालों को बराबर निगरानी रखने की बात कही है। साथ ही डीएम एसपी ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को लेकर भी ग्रामीणों से जानकारी ली है। इसी तरह राहत शिविर धनतुलसी में मौजूद परिवारों से मुलाकात कर हर सुविधा उपलब्ध कराए जाने का डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। तालाब की भूमि पर ग्राम प्रधान व उसके परिवार वालों ने आलीशान मकान बनवाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अब इस मामले में अपर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने टीम गठित कर जांच का निर्देश दिया है। मामला ज्ञानपुर विकास खंड के सूर्यामा थाना अंतर्गत ग्राम सभा पकड़ी कला का है। इस संबंध में धनीराम गुप्ता, विजयलाल यादव, शेषमणि गौतम ने हलफनामा देते हुए एक शिकायत की है कि गांव के सरकारी तालाब आराजी संख्या 595 पर ग्राम प्रधान संजय कुमार गौतम सहित शीतला प्रसाद गौतम व जंगाली गौतम ने अवैध अतिक्रमण कर तालाब की भूमि पर मकान बनवा लिया गया है। हालांकि इस संबंध में जब ग्राम प्रधान संजय कुमार गौतम से उनका पक्ष जानने के लिए बात करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे को उठाने की धमकी मिलने के बाद पीड़ित परिवार शनिवार को डीएम कार्यालय पहुंचा और एक पत्र सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मामला औराई थाना इलाके के त्रिलोकपुर का है, जहां एक शिकायती पत्र देते हुए चमेला देवी, विजय नारायण सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष डीएम कार्यालय पहुंचे और बताया कि एक मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज मुकदमे को उठाने के लिए धमकी दी जा रही है, न उठाने पर परिवार के लोगों को जान से मार देने की बात कही जा रही है। परेशान पीड़ित परिवार ने शनिवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपा है और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को परिवार से जुड़े एक व्यक्ति के खिलाफ भदोही पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जहां विधायक विजय मिश्रा के पारिवारिक सदस्य पुष्पलता व प्रकाश चंद के नाम कोल्हापुर में मौजूद 2.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम के आदेश पर भदोही जनपद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस महादेवा गांव में सरिता सिंह नामक महिला के मकान के लोहे का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में रखा 2000 नगद, कान की बाली, मंगलसूत्र, चांदी का पायल, गैस सिलेंडर व इंडक्शन चूल्हा उठा ले गए हैं। घर के समीप चोरों ने टूटा बक्सा व कपड़ा फेंक कर फरार हो गए। सुबह सरिता ने चोरी की सूचना यूपी डायल 112 सहित कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। हालांकि चोरी के इस मामले में शहर कोतवाल गगनराज सिंह ने बताया कि फिलहाल मामला अभी संदिग्ध लग रहा है, बावजूद जांच पड़ताल की जा रही है। शनिवार को भदोही जिले के थाना व कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। थाना दिवस पर अधिकतर मामले जमीनी विवाद के पहुंचे थे। डीएम एसपी ने कोयरौना थाने पर फरियाद सुनी है। इसी तरह भदोही जिले के तीनों सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी ने थाने पर मौजूद होकर फरियाद सुनी है, जहां डीएम एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व विभाग की टीम के साथ आए हुए शिकायती पत्रों का समय के अंदर मौके पर जाकर निस्तारण करे। इसी तरह भदोही, चौरी, दुर्गागंज, सूर्यामा, ऊज, कोयरौना, ज्ञानपुर, औराई, दुर्गागंज में भी समाधान दिवस पर फरियादियों ने अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। वहां मौजूद अधिकारियों ने फरियाद सुनते हुए निस्तारण का भरोसा दिलाया है।
सूर्यामा विकासखंड के ग्राम सभा उगईपुर में ठप पड़े विकास कार्य को लेकर पूर्व प्रधान गोपालनाथ बिंद के नेतृत्व में शनिवार को दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए पूर्व प्रधान सहित जितेंद्र कुमार बिंद, भुल्लन बिंद, कल्लू बिंद, राहुल बिंद का कहना है कि गांव में बना सामुदायिक शौचालय बंद पड़ा है, जिससे लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। शौचालय बंद होने के चलते विद्यालय के रास्ते पर भीषण गंदगी फैल चुकी है। साथ ही ग्राम सभा में दुर्व्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि गांव में भीषण जल जमाव हो गया है। पंचायत भवन का निर्माण कार्य भी एक साल से ठप पड़ा है। पूर्व प्रधान गोपाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान पंचायत भवन का इन्वर्टर, कंप्यूटर, बैटरी, टेबल, कुर्सी अपने घर पर रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व प्रधान ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की डीएम से मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नेशनल तिराहा स्थित हरियाव गांव में खेत में खेलते समय एक मासूम बालक को सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। आनन फानन में परियन भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के बाद अब बालक पूरी तरह स्वस्थ है। बताया जाता है कि सुभाष का 8 वर्षीय पुत्र पवन खेत के समीप खेल रहा था, तभी यह हादसा हो गया। घटना शनिवार लगभग 4 बजे की बताई गई है। विद्युत विभाग सब स्टेशन सूर्यामा के जेई अभिषेक प्रजापति के नेतृत्व में शनिवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में जहां बकायेदारों से 1,10,000 रुपए की वसूली की गई, वहीं 14 बकायेदारों की बिजली काट दी गई। चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। शनिवार की सुबह 11 बजे विद्युत विभाग की टीम ने सूर्यामा के रामबाग नेता नगर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। कई घंटे चले इस अभियान में जहां बकायेदारों से 1,10,000 रुपए की वसूली की गई, वहीं 14 लोगों की बत्ती गुल कर दी गई। चेकिंग अभियान में विद्युत कर्मी अमरजीत, सुनील मिश्रा, ओम प्रकाश, मणिलाल यादव आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है। अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को पानी मिलने लगा है। आपको बता दें कि दुर्गागंज के भानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगा हैंडपंप काफी समय से खराब था। आसपास के लोगों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर परिसर में खराब पड़े हैंडपंप की खबर को चलाया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए सीएससी अधीक्षक अभिषेक नाग ने खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करा दिया है, जिससे पेयजल की समस्या अब सीएससी के भानीपुर से दूर हो गई। हैंडपंप खराब होने से मरीजों व उनके तीमारदारों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। सत्यम न्यूज में खबर चलने के बाद हैंडपंप को ठीक करा दिया गया है। स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को सूर्यामा इलाके के मतेथु गांव में राजस्व विभाग की टीम ने ड्रोन उड़ाया। मकानों व जमीनों का स्वामित्व सर्वे किया गया। लेखपाल अनिल यादव, राम आश्रय विश्वकर्मा व हंसराज यादव के नेतृत्व में सूर्यामा पुलिस की टीम के साथ स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन उड़ाया गया और भूमि का सर्वे किया गया। राजस्व विभाग की टीम ने सूर्यामा इलाके के मतेथु, वीरभद्र पट्टी, भिखमापुर आदि इलाकों में ड्रोन उड़ाकर सर्वे किया। अचानक जहाज के रूप में आसमानों में उड़ रहे ड्रोन को देखकर गांव में हलचल पैदा हो गई। स्वामित्व योजना के तहत उड़ाए जा रहे ड्रोन को लेकर लेखपाल अनिल यादव ने बताया कि सर्वे के बाद आबादी में रहने वालों को घरौनी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिससे अक्सर होने वाला जमीनी विवाद खत्म हो जाएगा। बालू का बकाया पैसा मांगने पर दुकानदार के पुत्र की पिटाई करते हुए मोबाइल छीनकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के राम का पूरा का है, जहां रजनीश कुमार ने डीएम एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि बालू का बकाया पैसा मांगने व बाइक से गोसाई दासपुर के एक व्यक्ति के पास पहुंचा था। बकाया पैसा मांगते ही उधार बालू लेने वाला व्यक्ति भड़क गया और उसकी बाइक में धक्का मारते हुए गिरा दिया। पिटाई करते हुए मोबाइल भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। शिकायती पत्र देते हुए रजनीश कुमार पांडे ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जले ट्रांसफार्मरों को लेकर जिलाधिकारी के सख्त रवैये के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। डीएम के फरमान के बावजूद भी जले ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत कर
थक चुके सूर्यामा इलाके के कुलहुआ पांडेपुर के रहवासियों ने जले ट्रांसफार्मर को लेकर प्रदर्शन किया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही दुर्गावती देवी, प्रेमा, सविता, सरिता, विमला व प्रभुनाथ यादव आदि का कहना है कि गांव में लगा ट्रांसफार्मर 15 दिनों से जला पड़ा है। लगभग 80 घरों की बत्ती गुल है। सभी के परिवार अंधेरे में है। विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन शिकायत का समाधान नहीं हो सका। आजीज आकर सूर्यामा कुलहुआ पांडेपुर के विद्युत उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है और जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। भदोही जिले में शनिवार को सख्ती व कड़ी व्यवस्था के बीच BNGIC ज्ञानपुर में यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा संपन्न हुई है। इस परीक्षा में कुल 284 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। परीक्षा दो पालियों में संपन्न हुई है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए भदोही जिले में सिर्फ एक सेंटर विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज को बनाया गया था। इस संबंध में VNGIC के प्राचार्य विजय सिंह यादव ने बताया कि यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा में हाई स्कूल में 102 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे, लेकिन 88 ने ही परीक्षा दी, जबकि इंटर में कुल 182 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे, जिसमें से 3 परीक्षार्थी गैर हाजिर थे। बताया कि पहली पाली में हाई स्कूल व दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा केंद्रों पर सख्त व्यवस्था थी। परीक्षार्थियों की गेट पर ही तलाशी लेकर कक्ष में प्रवेश दिया गया। चोरों से आपकी बाइक महफूज रहे, ऐसी बाइक चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चेकिंग अभियान चलाया। बगैर हैंडल लॉक खड़े बाइकों का ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने चालान करना शुरू कर दिया। इस बीच बाइक चालकों में हड़कंप मच गया। बगैर हैंडल लॉक खड़ी दो बाइक को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। ज्ञानपुर कोतवाली के दरोगा विनोद यादव के नेतृत्व में जिला अस्पताल ज्ञानपुर में यह चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान से हड़कंप मचा रहा। छुट्टा पशुओं को रखने के लिए योगी सरकार ने भदोही जिले में जगह जगह पशु आश्रय स्थल बनवाए हैं, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज भी छुट्टा पशु आश्रय स्थल की बजाय सड़कों व खेतों में भटक रहे हैं, जिससे आए दिन राहगीरों के चोटिल होने के साथ साथ खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। ऐसी एक तस्वीर और ग्रामीणों की शिकायत आई है रामपुर गंगा घाट किनारे से। इलाके के घनश्याम कौशल, दिनेश सिंह, राम आधार, शीतला प्रसाद आदि ने बताया कि इलाके में छुट्टा पशुओं का जमावड़ा काफी बढ़ गया है। इनके आतंक से किसान खेतों में बुआई नहीं कर पा रहे हैं। रामपुर गंगा घाट किनारे के किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए छुट्टा पशुओं की समस्याओं को दूर किए जाने की मांग की है। प्रसिद्धी विद्यालय में भदोही जिले के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया हो, इसके लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन स्कूलों की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह मोड़े हुए हैं। शिक्षा से जुड़ी एक ऐसी ही बदहाल तस्वीर आई है अभोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय हिम्मतपुर से। इस विद्यालय को आज भी एक अदत रास्ते का इंतजार है। नौनिहाल स्कूली बच्चे कच्चे व पगडंडी खेत के रास्ते स्कूल पहुंचते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह स्कूली बच्चे खेत व पगडंडी के रास्ते स्कूल पहुंच रहे हैं। आए दिन बच्चे इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर गिरकर चोटिल हो जाते हैं और बच्चों का ड्रेस भी खराब हो जाता है। हालांकि इस संबंध में हेडमास्टर प्रमोद यादव ने बताया कि सड़क की समस्या को लेकर खंड विकास अधिकारी अभोली को अवगत कराया गया है। शनिवार को गोपीगंज के पूरे रजई में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कजरी का शानदार कार्यक्रम रखा गया था। गांव के बीचों बीच आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बच्चे, बूढ़े व महिलाओं ने कजरी गीत का जमकर लुत्फ उठाया। भदोही के कजरी गायक राजेश भवरा व मिर्जापुर के बबलू दीवाना के बीच घंटों मुकाबला चला। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सभासद जितेंद्र गुप्ता ने फीता काटकर किया है।
घंटों चले मुकाबले में राजेश भवरा ने जहां श्री कृष्ण कन्हैया का बखान किया, वहीं बबलू दीवाने ने लवकुश के जन पर गीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। हंसी ठिठोली व तालियों की गड़गड़ाहट से समूचा गांव गूंज उठा। इस कजरी कार्यक्रम में डॉक्टर बसंतलाल, सुनील सरोज, सुनील बिंद, चंद्रभान सरोज आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के दिव्यांगों का विशेष स्मार्ट कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन दिव्यांगों का विशेष पहचान पत्र अभी तक नहीं बन पाया है, वह जिला दिव्यांग कार्यालय ज्ञानपुर से संपर्क कर सकते हैं। शनिवार को जिला सूचना कार्यालय भदोही के द्वारा इस बात की जानकारी देते हुए जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से विशेष स्मार्ट पहचान पत्र सीएमओ कार्यालय से जारी किया जा रहा है। विशेष कार्ड के लिए दिव्यांगों को आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साइज फोटो को विकास भवन स्थित विभागीय कार्यालय में जमा करना होगा। यह पहचान पत्र दिव्यांगों को काफी सहूलियत देगा। सूर्यामा के मतेथु गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर शनिवार से अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन शुरू हो गया है। इस मौके पर हनुमान मंदिर को रिमझिम झालरों से सजाया गया। गांव के सहयोग से मतेथु में प्रत्येक वर्ष अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन कराया जाता है। 30 अगस्त तक चलने वाले इस पाठ में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान समूचे गांव का माहौल भक्तिमय हो गया है। गांव के राजेंद्र सिंह, राधेश्याम तिवारी, मुकुंद पाठक, गोपीचंद मौर्य आदि लोग कार्यक्रम की देखरेख में लगे हुए हैं। श्री रामचरितमानस पाठ का समापन 30 अगस्त को होगा। इस दिन मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड मां काली देवी प्राचीन मंदिर में माता रानी का वार्षिक भव श्रृंगार किया गया। इस दौरान पूरे दिन दर्शन पूजन का दौर चलता रहा। वार्षिक भंडारे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जय मां काली सेवा समिति के पदाधिकारियों की देखरेख में शनिवार की सुबह भक्तों ने माता रानी का सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार किया, जिसके बाद अलौकिक रूप के दर्शन को भक्तों का जमखट लगना शुरू हो गया। आरती पूजन का क्रम पूरे दिन चलता रहा। इसके बाद प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर चंदन जायसवाल, महेंद्र सोनी, बिंदेश गुप्ता, मनोज मुदनवाल सहित तमाम लोग व्यवस्था की देखरेख में लगे हुए थे। ज्ञानपुर में अघोषित विद्युत कटौती से लोग आजी जा चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गांव में बसे लोगों को हो रही है। मनमानी विद्युत कटौती व ट्रिपिंग से उपभोक्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है। रोस्टर को ताक पर रखकर मनमानी बिजली कटौती हो रही है। ज्ञानपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गाँव लखनऊ, मिल्की, देवाजितपुर, ज्ञानपुर, देहाती, चकडोडर में मनमानी विद्युत कटौती से ग्रामीण आजी जा चुके हैं। इस संबंध में कोको दुबे, अभिजीत विश्वकर्मा, दुष्यंत पांडे, जिलाजीत तिवारी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। उमस भरी गर्मी से बच्चे रोते रोते बीमार पड़ जा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने चेताया कि अगर मनमानी कटौती पर रोक नहीं लगाई गई तो ग्रामीणों के गुस्से का खामियाजा विद्युत विभाग ज्ञानपुर को भुगतना पड़ेगा। मिशन शक्ति अभियान को भदोही पुलिस सफल बनाने में जुटी हुई है। एसपी के देखरेख में सभी थानों की पुलिस क्षेत्रों में जाकर महिलाओं व छात्राओं को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को एंटी रोमियो टीम के साथ साथ कोतवाली ज्ञानपुर पुलिस ने नगर में जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया था। टीम में शामिल सत्य प्रकाश व संगीता सिंह ने मिशन शक्ति अभियान की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। छात्राएं निसंकोच स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व बाजार जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस को सूचना दें। उन्होंने महिलाओं व छात्राओं को प्रचार सामग्री वितरण करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कहा कि पुलिस टीम सिविल ड्रेस में सभी चौराहों पर तैनात रहती है। समस्या होने पर सूचित करें, तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल करें। सत्यम न्यूज की पहुंच शहर से गांव तक अब नहीं छूटेगी। भदोही जिले की कोई भी खबर
भदोही जिले की हर खबर पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं। अपनी समस्याओं को लेकर आप सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी बाजार सरदार खां में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।